वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर 9th, जर्नल एंट्री। आज हम जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5000। मशीन को लगाने के लिए 5000 कैश क्या किया है, पे किया है। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी 20000। 20000 का गुड्स किस में दिया है, चैरिटी। चैरिटी मतलब दान में। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम। वैन टोटल कैपिटल है 7 लाख। 7 लाख की कैपिटल 7% कैश पे करना है इंटरेस्ट। रिसीव 12000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ए लास्ट ईयर। लास्ट ईयर डूब गए थे, अब क्या हो रहे हैं, वो रिसीव हो रहे हैं। गुड डिस्ट्रॉयड बाई फायर, फायर से 20000 गुड्स क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो गए, खराब हो गए। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी है। किराया 10000 रुपये रेंट का भी देने बाकी, ड्यू है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 9000। कितने, 9000। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब इसको फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं जर्नल का। डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन 5000। मशीन को लगाने के लिए 5000 कैश पे किया है। मशीन हमारे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो कैपिटल, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, आइटम्स होते हैं, उस पर जो भी एक्सपेंसिस की जाती है उसी के अंदर ही ऐड करते हैं। तो अब किस में इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस है, हम किस में ऐड करेंगे, मशीनरी में। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट 5000, क्या पे क्या कैश, टू कैश अकाउंट 5000, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी 20000। चैरिटी में 20000 गुड्स क्या किया है, दान दिया है। कितने का, 20000 का। क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स को हम किसके अंडर में डालते हैं, परचेज में। टू परचेज अकाउंट 20000 20000, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 7%। वैन टोटल कैपिटल कितने की है, 7 लाख की। एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 7 लाख का 7%, 49000 49000 इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। इफ कैपिटल जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको क्या किया हमने, डेबिट किया, कि फर्म ओनर को पे करती है। नेक्स्ट है रिसीव 12000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 12000 रिसीव हुए जो लास्ट ईयर क्या हो गए थे, बैड डेट्स हो गए थे। तो कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन से रुपये रिसीव हो रहे हैं, जो रुपये डूब गए थे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 12000 12000 अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब ई फिफ्थ पॉइंट करते हैं, गुड डिस्टर्ब बाई फायर। फायर से फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड डिस्टर्ब बाई फायर। फायर से गुड क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया 20000 का। किससे हुआ है, फायर से। तो हम क्या जनरल करेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या डिस्टर्ब हुआ है, गुड्स। तो गुड्स को हम किसके अंडर डालेंगे, परचेज, टू परचेज अकाउंट 20000 20000, गुड डिस्टर्ब बाई फायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग 10000। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट देना भी बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, क्या ड्यू है, क्या अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10000 10000, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, कितना, 9000। अब ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9000 9000, नेशन क्या बनेगी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 9000। एक बार रिपीट कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन को लगाने के लिए 5000 का कैश पे किया है। तो
ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, जनरल एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 5000। नेक्स्ट है सेकेंड, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, चैरिटी में 20,000 गुड्स क्या क्या है, दान दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचे अकाउंट 20,000 20,000। सी पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल 7 लाख, 7 लाख का 7% 49,000 49,000। अगला रेशियो 12%, 12,000 रेशियो है, जो लास्ट ईयर क्या हो गए थे, बैड डेट्स में चले गए थे, अब वो अमाउंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, तो क्या हो जाएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड, रुपया आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो कैंटी करें कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000 12,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ हो गए, गुड डिस्टोर्ड बाई फायर, फायर से गुड्स क्या हो रहा है, डिस्टोर्ड हो गया, डिस्टोर्ड मतलब खराब हो गया, खत्म हो गया, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000 20,000। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, अभी उसकी पेमेंट करनी भी बाकी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 10,000। अगला इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9,000 9,000। ओके भाई, ओके थैंक्स।